किसने किया, आखिर ये चाइना का टीम, ये पूरा बल्दिया आपके पीछे। अगर आप इसका असल नक्शा उठा के देखें तो ये आधा का आधा एम्यूनिटी है, लेकिन आज ये 5% भी नहीं रहा। और ये केस अदालतों में मौजूद है, जिम्मेदारों को बुलाएं कि किसने आहिस्ता आहिस्ता करके शहर को तबाह कर दिया। और फिर आप आज अगर कोई भाई कह भी रहे कि जी गवर्नमेंट आपकी, आप मुझे बताएं लाखों लोग इन इन चीज़ों पर बैठे हुए हैं, बागात पर, नालों पर, मुख्तलिफ जगहों पर। अब इन लाखों लोगों को आप बेघर कर दें तो ये जाएंगे कहाँ? कानूनी तौर पर ही कोई जवाब पेश है इसके बारे में? बिल्कुल लिखा होगा तो बाकायदा तहरीरी तौर पर हिंदुस्तान का के तमाम और ये पहले अहकाम जा भी चुके हैं हमारी हुकूमत की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से, हर जगह से कि नालों के ऊपर बिलखसूस कोई भी इंक्रोचमेंट है तो वो इलीगल हैं, उनको रिमूव किया जाना जरूरी है। जहाँ मैं जबानी भी अदा कर जा रहा हूँ, तहरीरी तौर पर भी दूंगा, हम पूरी जिम्मेदारी कबूल करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेशन माजी में कोई रिलीज दिया, कोई गलत अलॉटमेंट का ऑर्डर दिया या कोई ऐसा दिया जो गैर कानूनी है, लिहाजा उनकी कोई हैसियत नहीं है। नालों को हम अपने शहर की हिफाजत के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए, बारिशों के नुकसान से बचने के लिए नालों को हम खाली कराएंगे और उनको रवाना करेंगे।